संयुक्त मराठी पाठ क्रमांक 11 प्राणी आणि आपण याचा अभ्यास करणार आहोत। प्राणी आपण याचे प्राणी आणि आपण या पाठाचे लेखिका ललित गोरीटाने हे प्रसिद्ध लेखिका आहे। त्यांनी हे पाठ प्रकाशित केलेले आहे। इस पाठ के अंदर शेपट्यावाला प्राण्यांची भरली होती सभा हे गाणे रेडिओवर लागलेले असते, यानी जो तुम वाले प्राणी है, जानवर है, इनकी सभा मिट्टी भरी हुई है, ऐसा गाना रेडियो पर लगा हुआ है, जिसको यहाँ पर एक बच्चा और उसके पिता, जिनका नाम यहाँ पर बच्चे का नाम रोहन लिया गया है और उसके जो बड़ी है पिता है उनका नाम बाबा, इससे मुखातिब किया गया है। तो जो बच्चा होता है रोहन, वो अपने बड़े पिता से प्रश्न पूछता है कि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि शेपटी वाले प्राणियों भरी होती सभा, ये सारे प्राणी एकत्र जमा हुए हों। इस पर जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि कभी कभार दिख जाए तो बड़ी बात, कारण क्योंकि जो प्राणी हैं उनको जो रहने के लिए उनके अरण्य हैं, ठिकान हैं, उसको आपण मानसा ने नष्ट किया, क्या कारनामे, इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए हमको उनके जो अरण्य है, रहने के जो ठिकान है, उसको नष्ट होने से बचाना हो। इसके ऊपर जो बाबा है बताते हैं कि इसके लिए बहुत सारे देशों ने प्रकल्प योजनाएं बनाई है, जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि जो अरण्य है, जंगल है, वो नष्ट होने से बचे। तो बच्चा जो होता है रोहन, वो कहता है कि इसके लिए हमें भी कोशिश करना चाहिए और इस प्रकल्प में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क अभियान के तैयार किए गए हैं, उनका भी हमको संरक्षण रखना चाहिए, उनकी हिफाजत करना चाहिए। और जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनको हमको जो है ध्यान में रखते हुए उस प्रकल्प का पालन करना चाहिए, तभी जाकर ये जो सृष्टि है, दुनिया है, ये जीवित रहेगी। क्योंकि प्राणी आणि आपण, प्राणी यानी जानवर और आपण यानी इंसान, ये दोनों का एक दूसरे पर अटूट रिश्ता है, एक दूसरे पर मुनसर है। कि जिस तरीके से जो गिजाई जल्दी होती है, अन्न सामग्री जिसको हम कहते हैं, कि जिस तरीके से वनस्पति होती है, वनस्पति को जो है कीड़े खाते हैं और उन कीड़ों को मेंढक खाते हैं और मेंढक को सांप खाता है, और ये इस तरीके से गिजाई जंजीर है और उस सांप को घार खाता है, ये अन्न सामग्री एक दूसरे पर मुनहसर है। इसी तरीके से प्राणी और आपण, ये दोनों एक दूसरे पर मुनहसर और अवलंबन है, इसलिए हमें उन कायदों का पालन करना चाहिए, तभी हमारी जो सृष्टि है ये जीवित रहे।